हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। मैं दीपक कुमार करता हूँ आप सभी का स्वागत इस नए वीडियो में। तो कई जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, हम किसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो यह एक छोटी सी वीडियो है। यहाँ पे एक छोटा सा डाउट क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का कुछ प्रॉब्लम होती है कि जैसे कोई प्रोडक्ट क्या होता है ना, कि मतलब कि कोई भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट बनता, कोई मतलब कोई भी पर्सन ऑनलाइन करता है और वह प्रोडक्ट आपके सामने आ जाता है और पता चलता है कि वह प्रोडक्ट जो है ना अच्छा नहीं है, तो मतलब उसे रिटर्न करना होता है। तो वही केस में हमें क्या करना पड़ता है कि मतलब जो हमारा बैंक होता है वह कितने दिनों तक मतलब हमारे बैंक में जो हम पैसा जो भी प्रोडक्ट को हम रिटर्न करते हैं और जो उसका मतलब प्राइस रहता है, जैसे कि पैसा होता है, वह पैसे कितने दिनों तक बैंक अकाउंट में आ जाता है, इसी के बारे में यहाँ पे हम बात मतलब बात करने वाले हैं, इस डाउट को क्लियर करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले यदि फ्रेंड्स आप नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल की घंटी भी दबाओ, ताकि आपके पास नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मतलब कितने दिन में यहाँ पे प्रोसेस होता है। गाइस, मैं अगर अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने फ्लिपकार्ट से और अमेजोन से दोनों से ही प्रोडक्ट को बाय किया है, और मुझे पैसे रिटर्न करने की बात कहूं तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट जो है ना बहुत ही ज्यादा मतलब फास्ट है, क्योंकि यह आपका प्रोडक्ट पिकअप होने के बाद मतलब कि यहाँ से आपका प्रोडक्ट मतलब ले जाने के बाद 2 से 4 दिन के अंदर में वह आपका पैसे जो है ना बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। और जो हमारा अमेजोन एप्लीकेशन है यह कम से कम आपको 1 हफ्ता का टाइम, मतलब दोनों 1 हफ्ता का टाइम लेता है, लेकिन 1 हफ्ता से पहले पहले यहाँ पे पैसे हमारे अकाउंट में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं जो फ्लिपकार्ट का सर्विस है ज्यादा फास्ट है, यहाँ पे बहुत ही जल्दी मतलब पैसे रिटर्न मिल जाते हैं, और अमेजोन में 4 से 5 दिन यहाँ पे लग जाता है पैसे रिटर्न आने में। तो क्या उम्मीद करता हूँ कि आपका सारा डाउट क्लियर होगा। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल की घंटी भी दबाओ, ताकि आपके पास नए नए वीडियो नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। और मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।